उत्सव का दशहरा मनाने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सभी तरुण दत्ता अरे यार हमारे बीच में मैं चाहूंगी स्टेज के बीच में कोई भी नहीं चले प्लीज थोड़ा सा साइड आ जाइए आज देश भर में बड़ी धूमधाम से दशहरा महोत्सव मनाया गया। दिल्ली की उपनगरी द्वारका में द्वारका रामलीला महोत्सव में चीफ गेस्ट बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर और बॉडी बिल्डर तरुण दत्ता के साथ बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया गया। पिछले 10 दिनों से द्वारका रामलीला महोत्सव का आयोजन चल रहा था, जिसके प्रेसिडेंट मुकेश सिन्हा ने दिल्ली की द्वारका उपनगरी में द्वारका रामलीला महोत्सव कमेटी की 14 साल पहले स्थापना की थी। राम को भी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दोगे। बड़ी धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और रामलीला के साथ कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया। रामलीला महोत्सव की पूरी टीम बड़ी लगन और मेहनत से काम करती आ रही है, इसीलिए पिछले 14 सालों से सफलता पूर्वक आयोजन होता आ रहा है। आओ भाई आओ सर सामने देखना दीपाई जी डीके आजाद डीके आजाद मिस्टर डीके से इधर इधर मिस्टर गिरी मिस्टर आई एम खन्ना मिस्टर के एस भाटी मिस्टर के एस भाटी खन्ना साहब सामने देखना मैं तो फोटो में राइज से ना आ जाइए मिस्टर हरजाई मिस्टर एस एस गोयल मनमोहन आजाद तोमर द्वारका रामलीला महोत्सव के प्रेसिडेंट मुकेश सिन्हा की वाइफ सुधा सिन्हा और द्वारका रामलीला महोत्सव सदस्य मनोज गुप्ता से हमारी टीम से बात की। मैडम, जो आज रावण दहन हुआ और शक्ति कपूर जी आए और यहाँ पे जो लोग थे, इतनी पब्लिक थी कि जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। तो ये एक जो द्वारका रामलीला महोत्सव है उसका प्यार लोगों का है, जो आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे सिस्टम किया हुआ था कि किसी लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, तो उसके ऊपर आप क्या कहना। देखिए ऐसा ये मेला बहुत ही सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था और ये मुझे बहुत खुशी है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज मुझे शायद वो 5 times ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आए और मैं अगर कहूँ तो मेरे पास शायद यहाँ पे 70-80 हज़ार लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए थे और इतने ये भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो मैं डेफिनेटली शेयर अपनी टीम को देना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजर्स को देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतनी सुंदरता से इसको इस कार्य को किया है। अच्छा मैम, जो ये आपके कलाकार थे ये भी बड़े अच्छे थे,
जैसे हम तो यहाँ मीडिया के लोग हैं, घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो द्वारका में और भी रामलीला हो रही, उसके अलावा जो आपके यहाँ पे मंच पे जो कर रहे थे उनका लोग ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। देखिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतने अच्छे कलाकार मिले हैं, और मेरा ये मानना है कि इन कलाकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने 3 महीने से ये तैयारी की थी। सबसे अच्छी बात ये रही कि कलाकारों का हम में और हम में कलाकारों का बहुत विश्वास था। किसी भी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। एक कलाकार के लिए जब उन्हें हम खुली छूट देते हैं तो शायद वो बहुत अच्छे से उभर कर आते हैं। मैं हर खबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हर मोड़ पे, हर जगह पे हमारी कवरेज की और हमें बहुत सहयोग दिया। मैं आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मनोज गुप्ता जी, जो आज रामलीला महोत्सव में शक्ति कपूर जी आए और रावण दहन हुआ, और यहाँ पे जो पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी कि पैर भी नहीं रखने की जगह थी। देखिए, इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। ये जो रामलीला महोत्सव हम लोग यहाँ पर सभी लोग मिलके आयोजित करते हैं, कोशिश यही रहती है कि अच्छे तरीके से हम लोग इसको करें, ताकि कहने में किसी को असुविधा ना हो, किसी को समस्या ना हो। और हमारी पूरी टीम ने, मुकेश भाई की पूरी टीम ने यहाँ पर मिलजुल के हम लोगों ने काम किया, और आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से आप लोग भी यहाँ कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हर दिन बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर आयोजन रामलीला का किया गया है। और आज रावण दहन था, हमारे मुख्य अतिथि शक्ति कपूर जी भी आए, और आपने देखा यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आई, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से कार्यक्रम का संचालन हुआ। हमारे बीच में, मैं चाहूंगी स्टेज के बीच में कोई भी नहीं चले, प्लीज थोड़ा सा साइड आ जाइए। सुरेंद्र जी, अभी आप जा नहीं सकते, यू आर हाउस अरेस्ट। आए आप अपनी मर्जी से थे, जाएंगे आप हमारी मर्जी से, ये जन लोग जाने नहीं देंगे आपको। दिल्ली की उपनगरी द्वारका रामलीला महोत्सव में जाने माने एक्टर शक्ति कपूर ने भी शिरकत की। प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उनसे भक्ति। बेटा पीछे भाई साहब, सर आप और जो ना छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे, उसे शक्ति कपूर। सेक्टर 11 द्वारका रामलीला के मंच पर आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे भाई तुषार भाई है, गोल साहब, मुकेश जी, इन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा द्वारका में जब जब शक्ति कपूर को बुलाएंगे। मजे की बात है कि आज एक रावण दूसरे रावण को जा रहा है। मैंने बोला कि तीर मैं मारूंगा, बोले नहीं, तीर तो राम मारेगा। मैंने कहा मैं राम भैया को भी साथ लेकर आया हूं तुषार भाई। तो बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है, और सारी दुनिया को अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। आऊ ललिता नंद सबका बंद, मेरे राजा बाबू तो के उनके साथ बॉडी बिल्डर मिस्टर यूनिवर्स तरुण दत्ता भी पहुंचे, जिन्होंने रामलीला का लुत्फ उठाया और साथ ही रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाया गया। Oh,
इस मौके पर हर खबर की टीम ने चीफ गेस्ट बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर और तरुण दत्ता से बात की। तरुण दत्ता जी, ये जो आपने बॉडी बनाई हुई है और आप चैंपियन भी 2-3 बार जीत के आ चुके हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर मेरे को करीब करीब 15 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं 2 बार मिस्टर वर्ल्ड बना हूँ, 2 बार मिस्टर यूनिवर्स बना हूँ, 2016-2015 में और 2017 में अभी फिर से मिस्टर वर्ल्ड बना हूँ और अभी मिस्टर पैन पैसिफिक बन के आया हूँ। अच्छा सर, जो ये और भी जैसे नौजवान लड़के और भी एक्सरसाइज कर रहे, जिम ज्वाइन कर रहे, तो इसका कुछ कारण होगा जो ये आपने ये इतने सॉलिड अपने बनाए हुए? इसका कारण बिल्कुल कारण ही होता है इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हमको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये सब हम लोग कर पाते हैं। तो सर अभी आगे आपका कहीं और भी है जो चैम्पियनशिप में जाने का? अभी मैं 18 तारीख को मिस्टर कुवैत कप खेलने जा रहा हूँ कुवैत में, वहाँ से आऊँगा और फिर मैं 2 नवंबर को साइप्रस जाऊँगा यूरोप में मिस्टर वर्ल्ड खेलने। थैंक यू सर। सर आप द्वारका में आए, दिल्ली में आए और द्वारका रामलीला महोत्सव में जो मुकेश सैनी जी कर रहे और आज जो आपका प्रोग्राम है वो रावण को, राम वाला आपका रोल है रावण को जलाने वाला, तो उस पर 2 शब्द बताऊँ? सबसे पहले मैं द्वारका के सब निवासियों को सलाम नमस्कार मुबारकबाद देता हूँ। बोलो शिया रामचंद्र की जय। और बहुत बहुत अच्छी गैदरिंग है और सब लोग खुश हैं और द्वारका वैसे भी बहुत प्यारे प्यारे लोगों का निवास स्थान है, सो आई विश ऑल द बेस्ट। तो सर आप इतने बड़े एक्टर हो, दिल्ली में आए, यहाँ पे जो हम पब्लिक देख रहे हैं सब आपको देखने के लिए आई, तो इस पब्लिक के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए मैं दिल्ली का हूँ और हमारे तुषार भाई GTM के जो मालिक हैं ये उन्हीं का एरिया है, हमारे मित्र हैं विपुल जी, ये एरिया द्वारका और द्वारका के लोग बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और आज तो रावण का अंत है तो रामलीला का आखिरी दिन है, तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर हर खबर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आए और यहाँ रावण का दहन करेंगे। हाँ थैंक यू मैं हर खबर को भी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर।